हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मैंने कल ही रात को ही कर दी बुक। मंदिर से आने के बाद अब चिट्ठी लेने आ गए हम लोग। फाइनली मैं मार्केट करके आ गई और मेरे सूट की हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि सूट मेरा वैसा हो गया पूरा का पूरा। चलो कोई नहीं, चलते हैं आप, है ना। कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिया, मैं जा रही हूँ किचन में और मैं कोई खास नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पूरी और आलू की सूखी सब्जी। तो आप लोग ये मत करना कि रेसिपी शेयर नहीं की, फिर किसी दिन कर दूँगी क्योंकि फास्ट वाले दिन ये लगता है जल्दी जल्दी कर लो काम और जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ। तो अभी मैं कपड़े जमाने जा रही हूँ, पापा की चल रही है टीवी और यहाँ पर मैं कपड़े जमाऊँगी। मेरा थोड़ा सा रूम जो है ना, यहाँ पर सब धुले धुलाए कपड़े हैं तो वो पूरा उथल पुथल हो रखा था, अब एक सा करके फिर सारे कपड़े अलमारी में बहुत छोटी है तो उसमें स्पेस इतना नहीं है, तो इसलिए सामान वहाँ पे आ नहीं पाते, इतने कपड़े नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ वहाँ रखने पड़ता है। और बहुत जल्दी हम लोग करेंगे कि हमारे स्पेस का पूरा फुल हो जाए। चलो करती हूँ जल्दी जल्दी से। घर ही बना दिए, कुछ कपड़ों में आयरन करना है। आप सोच रहे होगे ये कपड़े अलग अलग क्यों रखे हैं, तो ये सारे शॉर्ट्स हैं मेरे, यहाँ पे सारे टॉप और गाउन्स हैं डेली यूज़ के, और यहाँ पे मेरा सूट है जो मैं बहुत कम पहनती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इनके शॉर्ट्स अलग हैं। सारे शॉर्ट्स वगैरह मैंने अलग कर दिए, सारी टी शर्ट मैंने अलग कर दी, बेड शीट मैंने अलग कर दी। अब कुछ कपड़े हैं जिनमें प्रेस करने हैं तो वो प्रेस मैं कल करूँगी। तो कुछ कुछ वीडियो मैं काम दिखाती हूँ, कुछ वीडियो में काम नहीं दिखाती हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि हर वीडियो में मैं काम करते हुए नहीं शो करती हूँ कि कैसे। किसी ने ये कमेंट किया था कि अरे कुछ काम कर लिया करो, तुम तो दिन भर फ्री रहती हो। सही बात है, मैं क्या करूँ, मैं फ्री रहती हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है फ्री रहने में। और सही बात है, अब जितना बनता है मैं उतना करती हूँ, और मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देते तो मैं क्या करूँ, है ना। तो जितना मुझसे बनता है मैं उतना ही काम करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। जितनी मेरी है कि भाई मैं इतना काम कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, तो मैं उतना ही करती हूँ। मुझे ये नहीं दिखाना होता कि मुझे इतना काम करना है या इतना करके मुझे कुछ जताना है। जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है उतना मैं कर लेती हूँ, जितना नहीं कैपेसिटी मैं नहीं करती हूँ। और एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, कहना आसान होता है करना बहुत मुश्किल होता है। जो पहले मुझे भी लगता था, मैं अपनी मम्मी से बोलती थी घर में पड़ी रहती हो क्या काम करती हो, लेकिन जब हम उस पे आते हैं ना तब पता चलता है कि यार काम होता है एक्चुअली में। छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं ना कि आप वही पूरे दिन अगर निपटाते रहोगे ना तो भी नहीं हो पाएगा। और रही बात किचन की, तो किचन डेली मैसी होता है और डेली साफ़ होता है, ठीक है। ये हर घर में होता है, हर घर में ये हर घर की कहानी है। और डेली ब्लॉगिंग का यही मतलब होता है कि जो आपके लाइफ में होता है चलता है, जैसा आप करते हो वही शो करते हो। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर, और हो गया था इसलिए मैं पापा को फालूदा खिलाने ले आई। क्या करूँ, मेरा केक, ये मैं, ये मेरा केक। अब मैं केक कट करूँगी। अब मम्मी की बहुत याद आ रही यार। कल्पतरु है ना उसका नाम, क्या नाम है उसका,
कस्तूरा कस्तूरा बंद हो गया था। आए बताओ कस्तूरा बंद हो गया, हम लोग गए थे कस्तूरा और बताओ कस्तूरी बंद हो गया था। आज मेरे बर्थडे का सेकंड डे है और हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाके आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो चलते हैं आपको लेके। मैं अपना बैग ले लूँ, बैग भी ले लिया। तो हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रेडी हैं, और पापा पीछे बैठे हैं, ये है पापा। और मेरे हस्बैंड ने जूम कार बुक की थी, जूम कार ली थी मेरे बर्थडे के लिए, कि जूम कार से लक्ष्मी को कहीं बाहर ले जाऊंगा घुमाने के लिए। तो चलते हैं आज, और